We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. But that look could kill. ये गाइस टमाटर खत्म हो गए, टमाटर वगैरह लेके जाने हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मैगी दोस्तों। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आए हो बहुत ही अच्छे हो गए आप लोग। तो सॉरी गाइस, परसों मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं रात में बहुत लेट आए थे हम लोग, 2 बज गया था तो एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पाया परसों, उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन मैंने आपको कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे बांके बिहारी के दर्शन कराए, बहुत पास से, बहुत नज़दीक से, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मुझे, प्यार दीजिए मुझे थोड़ा सा अपना। तो क्या है कि मोटिवेशन आता रहता है लोगों को, तो अच्छा ही है, एक दिन हम भी बड़े बन जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अच्छा कंटेंट डालेंगे आप लोगों के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अभी तो टमाटर लेने फिलहाल, ठीक है। चलो फिर आज बनाने वाले हैं कुछ बनाने वाले हैं आज, जो कि मैं रेगुलर बनाता ही हूँ, लेकिन आज कुछ और नया बनाने वाला हूँ, उसी को अलग कुछ तरीके से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आगे, टमाटर लेके आते हैं। तो गाइस आज बना रहे हैं नाश्ते में ये मैगी। फाइनली आज मम्मी मैगी लेके आई है, यिप्पी वगैरह नॉर वगैरह की जगह आज मम्मी बोल रही है मैगी खाने का मन कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो उबलती हुई मैगी है ना, ये जो भी बोलते हैं कि 2 मिनट में बनती है, भाई साहब 2 मिनट में नहीं बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट में नहीं बनती है मैगी, ये मिथ है, दिस इज ओनली द मिथ माय फ्रेंड्स। नहीं बनती भाई ये, इसको बहुत टाइम लगता है। देखो ओ गाइस बरसात आ गई, गाइस बरसात देख लो गाइस, ओह बहुत तेज बरसात आ गई गाइस। मम्मी आप जाओ क्योंकि मैं मैगी बना रहा हूँ। नहीं नहीं आप जाओ, नहीं नहीं यार ये मेहनत वाला काम मेरे से करवाती है। ओह गाइस बरसात आ गई गाइस, गाइस बरसात देख लो, बरसात देख लो गाइस, आप लोगों ने बरसात नहीं देखी होगी गाइस। देखो गाइस अच्छा मौसम हो गया गाइस आज, बढ़िया, जब से पेड़ कटा है ना उससे तो और थोड़ा सा अच्छा हो गया, साफ़ सफाई रहने लगी है। तो ये ढकना है हमको गाइस ताकि पानी नीचे ना जाए गाइस, ठीक है गाइस डाल देते हैं इसको। तो ये फाइनली मैगी बनके तैयार है, आज मम्मी का मैगी खाने का मन था। मम्मी क्या मैगी के बारे में कुछ बोलना चाहोगी आप? नहीं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, थोड़ा तेज बोलो। क्या बोलोगे मैगी के बारे में? कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? बस सभी की पसंद है, बच्चे बूढ़े। अरे सबकी पसंद छोड़ो, आप अपनी बताओ आपको कैसा लगता है मैगी मसाला। लेकिन ये तो है मैगी मसाला डिफरेंट तो है मम्मी, किसी में भी डाल दो, किसी में भी डाल दो स्वाद आ जाता है, स्वाद आ जाता है। भिंडी विंडी में डाल दो, करेले में भी डाल दो तो स्वाद आ जाता है। पता नहीं क्या ही इनने मसाला बनाया है, पर ऐसा मसाला बना भी नहीं दोबारा। करेले में छोड़ो, जब बच्चे वो नहीं खाते ना, तोरई लौकी उसमें भी डाल दो स्वाद आ जाएगा, स्वाद आ जाता है। दाल में डाल दो, दाल में स्वाद आ जाता है, स्वाद आ जाता है दाल में। दाल में तो बहुत प्यारा स्वाद आता है, एकदम सांभर जैसा स्वाद दे देता है दाल में। और कुछ भी मतलब जो बच्चे नहीं खाते हो उस चीज में डाल दो, बस बच्चे खा लेंगे, उंगली चाट चाट के खा लेंगे। आपने मैगी मसाला मतलब किस में वियर्ड थिंग क्या खाई है आपने मैगी मसाला डाल के? मैगी मसाला डाल के सभी मैं तो सभी में डालती हूँ, सभी सब्जी में डालती हूँ। नहीं वियर्ड थिंग जैसे मान लो कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जिसमें मैगी मसाला डाल दिया हो और उसका स्वाद बढ़ गया हो, मतलब जो चीज आपको पसंद नहीं हो, वियर्डेस्ट थिंग क्या खाई है? दलिया मैगी मसाला कब डाला? अरे दलिया में मैगी मसाला, दलिया खिचड़ी बनाओ, ठीक है, मैगी मसाला डालो उसमें, क्या स्वाद आएगा? खाया आपने खिचड़ी? जो खिचड़ी तुम नहीं खाते हो? खिचड़ी तो मैं खाता हूँ, दलिया नहीं, दाल की और उसकी खिचड़ी नहीं खाते ना, चावल की खिचड़ी उसमें डाल दो, बहुत अच्छा स्वाद आया। दलिया में क्या स्वाद आया था? दलिया में स्वाद अच्छा था। दलिया क्यों नहीं खाती आप? दलिया अच्छा नहीं लगता। बेईमानी करने का अपना ही मजा है।
देखो 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 देखो, दबा ली चम्मच से। दोस्तों मैगी हो और बेईमानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आम ले लिए मम्मी ने, आम तो दे दिए। तो क्यों? अरे मैं सोचती ज्यादा ले लूंगी तो उनको बना लूंगा मुरब्बा। चार आम का मुरब्बा तो था ही नहीं उसके पास, कल मैंने मंगाया उसको, कल लेके आया था। बनाऊंगी मुरब्बा, बनाते हैं भैया। हाँ कल अपन स्टेशन पे बैठे थे ना, तो मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी, उसे उसका हस्बैंड था, फिर बाद में उसका बेटा आ गया था, लखनऊ से आया था उसका बेटा। उसके हस्बैंड ने बोला कि कुछ खाने के लिए बोला उसको, पेस्ट्री वगैरह, उसने मना कर दिया कि नहीं खाऊंगी। उसका हस्बैंड अपने लिए और अपने बेटे के लिए ले आया। अब उसने पता देखा क्या देखा, तो अपने हस्बैंड के साथ में एक और खाया उसने। फिर अपने हस्बैंड की प्लेट ले ली, फिर तुम दूसरी लिया, ये मैं खा लेती हूँ, पहले ही मना ही खाया करा था। हमारी मम्मी भी ऐसी हरकत करती है, पहले बोलते रहो खाओगी खाओगी, नहीं 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 खाओगी, और दूसरा खाने बैठ जाए तो हाथ मारती है। अरे चलो बहुत बार किया आपने ऐसा, बेईमानी तो कर रहे, लेकिन आपने भी ऐसा बहुत बार किया है। कल ही कर रही थी, कल क्यों? पास्ता जब आपको खिला रहा था मथुरा में, मैं नहीं खाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाने लग गया, चखाओ चखाओ। एक ये तुमने कहा चख लो, मम्मी पूरी 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 वीडियो बनाई है मैंने आपकी, आपने कितना खाया है? तीन चार पीस खाया, नहीं खाया तीन चार पीस। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, दिखा दिखा दिखा। कुछ ले आऊं मम्मी बाहर से? क्या ले आओगे? 9 बज गया, 9 बज गया। गोलगप्पे या फिर वो आलू की चाट वगैरह कुछ? अब ये सब खाओगे रात में, डिनर कब करोगे फिर? डिनर नहीं कर रहा हूँ मैं यार, वो आपने बहुत सुथरी सब्जी बनाई है, एक तो आलू की पनीली पनीली सी, सही कर लो ना उसको। सही वही नहीं कर रहा मैं, तीन दिन पुरानी बासी सब्जी। हाँ, तीन दिन पुरानी बासी सब्जी। परसों बनाई थी आपने वो? परसों नहीं बनाई थी, कल बनाई थी। कल तो मम्मी हम थे, कल वहाँ कल मथुरा बना के खा के गए थे कि नहीं खा गए थे? मथुरा में खा के गए थे, मतलब सुबह कितने बजे निकले थे? 5 बजे। तो खाना बना के इसका मतलब, इसका मतलब परसों भी बनी रखी है वो, रात की बनी रखी है, खाओ तो क्या करोगे? परसों ही रात की तो बनी रखी है, क्या करोगे? सो फेंकूंगी मैं सब्जी? मैं वो नहीं खा रहा, कुछ ले आता हूँ ना प्लीज। ले आओ, 9 बजे मिल जाए तो। मम्मी आखिरकार आपने तीन दिन पुरानी सब्जी खिलाई दी है। क्या है यार मम्मी, क्या करेंगे? मेरे लिए रोटी बना रहे हैं आप? दोस्तों अभी लाइट तो है नहीं फिलहाल, क्या कर रहे? ठीक है, तीन दिन पुरानी सब्जी खाएंगे, क्योंकि परसों बनाई थी और कल हम लोग चले गए थे, तो आज मम्मी ने कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि थोड़ा थक से गए थे हम लोग कल, तो आज दिन भर हम लोगों ने सिर्फ सोया है, मैंने भी सोया है, मम्मी ने भी सोया है, लाइट भी नहीं है, लाइट बड़ा नाटक कर रही है, तो इसीलिए मन भी नहीं कर रहा कुछ बनाने का नया, मम्मी परसों की सब्जी बना रही है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं खा पी के आगे आपसे। ये हो गई पनीली पूरी, इसको पियेंगे दोस्तों। और देखो इतनी बड़ी आइसक्रीम, जरा सा ही आया है इसमें। अरे तुम चार दिन पुरानी आइसक्रीम खा रहे हो? तो मम्मी फेंकूंगा थोड़ी इसको। अच्छा, सब्जी को फेंक रहे थे चार दिन पुरानी, दो दिन पुरानी सब्जी खराब हो सकती है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव रहती है ना। ये खराब नहीं हुई है, ये मेल्ट हो गई पूरी, खराब नहीं हुई है। मेल्ट कैसे हो गई यार, ये आइसक्रीम अजीब सी है, दिन चौक है तो खैर बहुत पुरानी कंपनी, सिंस 1932 इस पे लिखा तो है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये है। हाँ बताओ कैसी आइसक्रीम है ये? मेल्ट ही हो गई पूरी, जमी नहीं, मतलब जमी नहीं, फ्रीजर में रखे तब भी नहीं जमी। तो दोस्तों फाइनली ये है वो सब्जी आलू की जो तीन दिन पुरानी है, तो आज डिनर में आलू की सब्जी और रोटियाँ और अचार लेके आई है मम्मी जस्ट अभी।